हे गाइस, बात करने वाले हैं मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। इस शो की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आरके और मधुबाला की जोड़ी देखने को मिली थी। दृष्टिधामी यहाँ पर मधुबाला का कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आई थी। उनके अपोजिट आरके का कैरेक्टर यहाँ पर विवियन डिसेना प्ले कर रहे थे। शो की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था शो, करीबन 2 से 2.5 साल तक शो ऑन रहा। इस बीच शो ने बहुत हाईएस्ट टीआरपी गेन करी थी। यहाँ पर लोग आरके और मधुबाला की जोड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा दीवाने रहे हैं। बता दें आपको, लॉकडाउन में शो का रिपीट टेलीकास्ट स्टार्ट किया गया था टीवी पर, जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक बार फिर से इस शो के पूरे एपिसोड्स को दिया है। इस शो के हर एक एपिसोड को लोगों ने वैसे ही प्यार दिया, वैसे ही क्रेज़ ऑडियंस में देखा जा रहा था जब ये शो ऑन एयर हुआ था। सो यही वजह है कि तब से लगातार शो के सीज़न 2 की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। और आपको बता दें, सीज़न 2 को लेकर लोग एक्साइटेड चल रहे हैं। खबरें भी सामने आ रही हैं कि शो का सीज़न 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, शो का सीज़न 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस नए साल पर 2024 में बहुत सारे शोज़ ऑन एयर होने वाले हैं कलर्स टीवी पर, तो शायद इसके सीज़न 2 का भी आगाज़ आपको देखने को मिल जाए। हालांकि यहाँ पर जोड़ी कौन होगी, इस बात को लेकर सस्पेंस क्रिएट है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, विवियन डिसेना फिलहाल तो टीवी ही कर रहे हैं, तो ऐसे में उनसे उम्मीद करी जा सकती है कि वो अपने इस पॉपुलर कैरेक्टर में ज़रूर नज़र आना चाहेंगे। वहीं अगर हम बात करें उनके अपोजिट दृष्टिधामी के बारे में, तो फिलहाल टीवी पर बहुत लंबे टाइम से देखने को नहीं मिली है। उनका लास्ट शो सिलसिला बदलते रिश्तों का था, उसके बाद से वो देखने को टीवी पर नहीं मिली है। लेकिन अगर उन्हें इस शो के लिए ऑफर जाएगा तो चांसेस हैं कि वो इस शो के अंदर ज़रूर नज़र आना चाहेंगी। अब ये तो मेकर्स पे डिपेंड करता है, आप लोग की हाई डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग डिमांड ऐसे ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सीज़न 1 की स्टार कास्ट के साथ ही सीज़न 2 देखने को मिलेगा। इसके हाईली चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सीज़न 2 कब आएगा, किस तरह से आएगा, इस बात को लेकर फिलहाल उम्मीद यही है कि नए साल पर देखने को मिल सकता है इसी स्टार कास्ट के साथ में, अगर आपकी डिमांड हाई रहती है तो। और उसके अलावा अगर बात करें सीज़न 2 में नए चेहरे देखने को मिलते हैं, तो देखना यह है कि सीज़न 1 की जो ऑडियंस रही है, क्या वो कनेक्टेड फील कर पाएगी सीज़न 2 की स्टार कास्ट से या नहीं। कमेंट करके एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।